हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड वेलकम टू हेयर। तो आज हम करेंगे 10th क्लास एसिड बेस इंडिकेटर्स और सिंपली इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडिकेटर्स होते क्या हैं, व्हाट इज इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं भाई, दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच shows the acidic or basic behavior of other substances by change in color or odor. Definition लिख लेते इसकी। Those substances which show एसिडिक और बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंसेस बाय चेंज इन कलर और ओडोर। ओडोर होती है स्मेल, स्मेल जो भी दूसरे सब्सटेंस के एसिडिक या फिर बेसिक होने के बारे में हमें बताते हैं बाय चेंज इन कलर, या कलर चेंज करके, या फिर क्या होगा अपनी स्मेल चेंज करके। तो स्टूडेंट्स, 10th क्लास में क्या है, जो हमारे बेसिक से इंडिकेटर्स है उसके टाइप्स और क्या है उनके, क्या हम किस तरह से वो कलर चेंज करते हैं वो हम क्या है ब्रीफली, क्या है जो 10th क्लास लेवल तक का है सिलेबस है वहां तक हम क्या है उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स, फर्स्ट कौन से भाई, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स आप समझ गए नाम से ही, विच ऑब्टेन्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस, फॉर एग्जाम्पल लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड बस रेड कैबेज एटसेट्रा। ये क्या है, ये हम तीनों क्या डिस्कस करेंगे आगे, इनका कलर कैसे एसिड में कैसे होता, बेस में कैसे होता। उसके बाद सेकंड कौन सा है, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स तो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से होते हैं विच सिंथेसाइज इन लेबोरेटरीज। सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, फॉर एग्जाम्पल फिनोलेथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। फिनोलेथिलीन एंड मिथाइल ऑरेंज दो मेन इंडिकेटर है जो क्या है लैब में सिंथेसिस किए जाते हैं। उसके बाद क्या थर्ड कौन सा आएगा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तो यहां स्टूडेंट्स हम क्या है एक बार ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कौन से होते हैं भाई, विच शोज द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंसेस, या फिर
which shows the presence of acids or bases by change in odor, by change in odor या फिर स्मेल कहोगे आप, राइट? विच शो द एसिडिक और बेसिक बिहेवियर of other substances by change in odor या फिर smell, very very important, याद रखना भाई, by change in odor या फिर smell. For example, onion and vanilla and और इसमें एक क्या होता है, clove भी होता है अभी, clove oil. ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है. तो स्टूडेंट्स ये क्या है, ब्रीफली क्या है, जनरल ही डेफिनेशन है, जनरल का क्या है, इंट्रोडक्शन है, किसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में. आप इसको क्या एक बार नोट करो, फिर आगे क्या हम इनके क्या है, एसिड में कैसे बिहेवियर होता है और क्या बेस में कैसे बिहेवियर होता है आगे डिस्कस करते हैं. प्लीज इसको नोट करो. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास टेबल जो आपके इंडिकेटर्स हैं, लिटमस, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक और रेड कैबेज जूस, ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स. तो लिटमस के बारे में मैं आप तो एक यहां पर और बता दूं, लिटमस क्या है, बहुत ज्यादा यूज होता है भाई लिटमस पेपर की फॉर्म में भी और क्या लिटमस सॉल्यूशन भी. तो ये कहां से ऑब्टेन किया जाता भाई, ऑब्टेन फ्रॉम एक प्लांट्स होता लाइकेन, लाइकेन से. और उसके बाद क्या, इसका ओरिजिनल कलर कौन सा होता है, नेचुरल कलर क्या है इसका, जो लिटमस होता है इसका क्या होता है भाई, पर्पल. ये दो बातें आपने याद रखनी है, क्या लिटमस कहां से, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकेन प्लांट्स, प्लांट है भाई ये एक, वहां से ये क्या है, एक क्या है इसका नाम ही लाइकेन प्लांट्स. और क्या है नेचुरल कलर कौन सा, पर्पल, इसका नेचुरल कलर पर्पल होता है. तो यहां पर क्या है दो टाइप्स के लिटमस होते हैं, रेड लिटमस और क्या ब्लू लिटमस. तो यहां पर क्या ओरिजिनल कलर कौन सा, रेड का रेड ही होगा, ब्लू का ब्लू ही होगा. उसके बाद क्या एसिड में क्या होगा, रेड लिटमस का कोई भी कलर चेंज नहीं होगा और क्या है बेस में ब्लू हो जाएगा. यानी कि एसिड्स क्या है, डेफिनेशन में भी आता है, एसिड्स क्या करते हैं भाई, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं एसिड, और बेस क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. ये हमारी डेफिनेशन है. उसके बाद क्या, ब्लू लिटमस में आप यही कहोगे ओरिजिनल कलर ब्लू, उसके बाद क्या एसिड क्या करेंगे, ब्लू को रेड करेंगे और क्या है बेस नो चेंज, राइट? उसके बाद क्या, रेड को ब्लू कौन करता है, बेस, ठीक है, एसिड में नो चेंज होगा. उसके बाद क्या, टर्मरिक हल्दी आप जानते ही हो, इसका कलर कौन सा होता है, येल्लो होता है, नेचुरल कलर येल्लो. और उसके बाद क्या, एसिड में इसका कलर कोई भी चेंज नहीं होता, नो चेंज. और क्या है बेस में क्या होता है, रेडिश ब्राउन. एक क्वेश्चन ये आता भी, जब हम क्या है कपड़े साफ करते हैं तो वहां पर क्या क्री की स्टेन बन जाती है, कढ़ी की क्या है धब्बा बन जाता है. तो उस टाइम क्या होता है, जब हम क्या उसके ऊपर सोप लगाते हैं, क्या कि सोप रब करते हैं, तो वहां पर कलर कैसा हो जाता है, रेडिश कलर हो जाता है. उसके बाद क्या, फिर हम वाटर डाल के वॉश करते हैं तो वो कलर गायब हो जाता है. तो वो क्यों होता है, क्योंकि हल्दी क्या है एक नेचुरल इंडिकेटर है और क्या है जो हम सोप यूज कर रहे हैं उसमें कौन सा, उसमें क्या होता है बेसिक बेस होता है भाई, और उसके कारण क्या है वो रेडिश कलर हो जाता है. फिर हम वॉश करते हैं तो वो क्या है वो धुल जाता है, वापस क्या कलर कैसा येलो हो जाता है उसका स्टेन का. उसके बाद क्या, रेड कैबेज जूस ओरिजिनल कलर क्या होगा, पर्पल, पर्पल होगा तो क्या एसिड में कैसा होगा, रेडिश, और क्या बेस में क्या होगा, ग्रीनिश येल्लो.
यानी कि ग्रीनिश येलो ही होगा, ग्रीनिश ग्रीन की तरह ही। नेक्स्ट आते हैं भाई दो हमारे कौन से हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स में फर्स्ट कौन सा, फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन स्पेलिंग ध्यान से लिखना भाई, फिनोल्फथेलिन। फिनोल्फथेलिन में क्या है, ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है ये, ठीक है। एसिड में कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस ही होगा। और क्या बेस में क्या है, पिंक होगा, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है प्लस वन टू, और क्या आगे सोल्यूशन के जहां पर टाइट्रेशन की जाती है वहां पर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्या बेस में इसका पिंकिश कलर हो जाएगा। उसके बाद क्या मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का क्या नाम से ही जाहिर है, ऑरेंज है तो ऑरेंज ही कलर होगा नेचुरल। और उसके बाद क्या एसिड में क्या होगा, रेड कलर, बेस में कैसा होगा, येल्लो, राइट। उसके बाद क्या भाई दो हमारे कौन से, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो जो क्या स्मेल चेंज करते हैं, ये आपके सिलेबस में है तो आप इसको क्या है एक बार लर्न कर लेना भाई। यहाँ क्या कलर नॉट अप्लीकेबल लिखा है। उसके बाद क्या है एसिड में कोई भी चेंज नहीं होगा, किसके अंदर, स्मेल के अंदर, राइट। उसके बाद क्या बेस में क्या स्मेल वैनिशिज, वैनिशिज मीन्स गायब हो जाना, फिनिश हो जाती भाई, वो क्या है स्मेल नहीं आती। ऐसे ही क्या है इसके अंदर वेनिला के अंदर भी क्या स्मेल फिनिश वेनिशिज यानी क्या है वो गायब हो जाती, स्मेल वो नहीं आती। और क्या एसिड में क्या कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये क्या है, दीज आर टू ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो स्टूडेंट्स इस टेबल को आप क्या है एक बार नोटबुक में बनाओ और इसको क्या है एक बार आप बनाओ और इसको लर्न करो। उसके बाद क्या हमारा क्या है एक यूनिवर्सल इंडिकेटर्स बच जाता है, उसको हम फिर क्या आगे अभी एक्सप्लेन करते हैं, इसको क्या है राइट डाउन। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, जो हमारे जनरल इंडिकेटर्स थे वो क्या बताते थे, प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसिड्स। तो एक ऐसा मिक्सचर बना दिया, ऐसे क्या है बहुत सारे कलर्स का या फिर बहुत सारी डाइज का एक मिक्सचर बना दिया, जो क्या है एसिड बेस के साथ साथ क्या उसकी स्ट्रेंथ भी बताता है, कितना एसिडिक नेचर है और कितना बेसिक नेचर है। तो ये क्या है कि यूनिवर्सल पेपर, यूनिवर्सल सॉल्यूशन बनाया जो कि दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये देखो मैंने क्या है लिख दिया पहले से ही, इसके क्या है आप भी राइट डाउन कर लो, एक बार मैं इनको समझा देता हूँ। टू गेट द स्ट्रेंथ एज वेल एज, स्ट्रेंथ के साथ साथ क्या एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड। तो क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया जाता है दोनों चीज साथ साथ लेने के लिए। यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 0 to 14 फॉर ए गिवन सॉल्यूशन, फॉर ए गिवन सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान दो, जो पीएच वैल्यू होती है पोटेंस ऑफ एच पोज टू आयंस, क्या है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन यानी कि एच पोज टू आयंस, जितने भी हाइड्रोजन क्या है एच पोज टू आयंस क्या है ज्यादा होंगे उतना ही एसिडिक नेचर होगा, और जितने भी कम होंगे उतना क्या होगा बेसिक नेचर होगा। ये आप क्या एसिड बेस की क्या डेफिनेशन में भी आप पढ़ते हो, एसिड्स गिव्स द एच पोज टू या फिर हाइड्रोजन आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। और क्या है ये क्या पीएच रेंज बताता है भाई, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज द डिफरेंट कलर ओवर द रेंज ऑफ पीएच वैल्यू फ्रॉम 0 to 14 फॉर ए गिवन सॉल्यूशन, यानी कि अगर क्या है बहुत कम है जीरो वैल्यू जीरो है तो क्या है एच पोज टू आयन बहुत ज्यादा है, नेचर एसिडिक है। और क्या है ऐसे ऐसे इंक्रीज होती जाएगी, पीएच वैल्यू क्या है 14 है तो वहां पर क्या है एच पोज टू आयन बहुत कम है, वहां पर क्या ओ एच नेगेटिव आयन्स ज्यादा होते हैं तो वहां पर क्या होगा बेसिक नेचर होगा। इसके बाद एक बना के बताता हूं मैं, आप इसको पहले क्या एक बार पढ़ लो। उसके बाद क्या इट इज अवेलेबल बोथ फॉर्म, स्ट्रिप की फॉर्म में भी होता है और क्या है सोल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, ठीक है। उसके बाद इट इज द कम्बिनेशन ऑफ मैनी कलर्स या इट इज द कम्बिनेशन ऑफ मैनी इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक कम्बिनेशन है, सच एज वॉटर, प्रोपेनोल, फिनोल्फथेलिन, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स या फिर क्या क्या ऑर्गेनिक या फिर केमिकल सब्सटेंसेस है जो क्या हमें शोज कर हमारी क्या है स्ट्रेंथ को शो करते हैं, किसकी पीएच वैल्यू को, ठीक है एसिडिक है या फिर बेसिक है। फिनोल्फथेलिन, सोडियम साल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिथाइल रेन रेड, ब्रोमोथाइमोल ब्लू, मोनोसोडियम साल्ट, थाइमोल ब्लू, सोडियम साल्ट। उसके बाद क्या है द कलर मैचिंग
chart is supplied with the universal indicator which shows the different color for the different value of the pH. यानी कि क्या है इसमें, क्या होता है भाई, एक स्ट्रिप होती है, क्या एक स्ट्रिप होती है, यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप होती है या फिर क्या सॉल्यूशन होता है. तो हम क्या करते हैं उस स्ट्रिप को उस सॉल्यूशन में, किस सॉल्यूशन के अंदर, जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं, हमें एसिडिक है या बेसिक हमें नहीं पता, इसमें क्या हमारा क्या है कोई भी सॉल्यूशन डाला गया है, तो हमारे पास क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की एक स्ट्रिप है वो हम इसमें डीप कर देंगे. डीप करने के बाद क्या है, जैसे हम उसको निकालेंगे तो यहाँ पर क्या कलर चेंज मिलेगा. तो कैसा कलर होगा वो हम मैच कर लेते हैं जो एक चार्ट दिया जाता है. क्या है, एक चार्ट दिया जाता है इस डिफरेंट कलर्स का, कि ये कलर है तो इसकी वैल्यू ये है पीएच वैल्यू, और क्या ये कलर है तो ये वैल्यू है. जैसा कि आप क्या है एक बार स्क्रीन पे भी देख रहे हो किस तरह से क्या है चार्ट हमें दिया जाता है. एक बार आप स्क्रीन पर देख लो किस तरह से क्या है अलग अलग क्या है उसकी वैल्यू अलग अलग होगी, कलर के अकॉर्डिंग पीएच वैल्यू अलग अलग होगी, राइट. तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स, एक बार क्या है ये नोट सुनाओ, उसके बाद क्या है इसको पॉज करके क्लिक कर लो, पिक ले लो, मैं इसमें आगे बताता हूं. यस 2 3 1 हो गया, हो गया, ये लो हो गया, राइट. तो इसमें क्या होती है पीएच वैल्यू हम कैसे किस तरह से देखते हैं, यहां पर 0, यहां पर 14, राइट. बीच में क्या होगा देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है. तो उसके बाद क्या 8 9 10 11 इस तरह से क्या वैल्यू चलती जाएंगी 1, ठीक है 2 3 4 5 6 7 इस तरह से इसकी वैल्यू चलती जाएगी. तो यहां पर क्या होता है स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, राइट. यानी के यहां पर क्या है इस पोर्शन में एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहां पर क्या है हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो जब पीएच वैल्यू 0 होगी तो यहां पर क्या है इसकी कंसंट्रेशन किसकी ओएच नेगेटिव आयन्स की बहुत कम हो जाएगी और एच पॉजिटिव की मैक्सिमम हो जाएगी. तो यहां पर क्या होगा इसका कलर कैसा होगा, यानी कि कैसा होगा अभी रेड होगा, एसिडिक है तो क्या होगा ब्लू कलर को यहां पर कैसा कलर होगा रेड, राइट. उसके बाद क्या है यहां पर क्या है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है डिक्रीज होती जाएगी और OH की इंक्रीज होती जाएगी. OH की इंक्रीज होगी तो क्या हाइड्रोक्साइड की इंक्रीज होगी तो क्या है आप समझ ही रहे हो, तो क्या होगा बेसिक इन नेचर. तो यहां पर क्या होगी एट लास्ट क्या हो जाएगी ब्लू हो जाएगी. और बीच में क्या होगा यहां पर क्या है जो पीएच वैल्यू 7 है यानी कि दोनों की इक्वल होगी. इक्वल मीन्स क्या है यहां पर क्या होगा न्यूट्रल होगा भाई, न्यूट्रल. और कलर कौन सा होगा यहां पर, यहां पर कलर कौन सा होगा स्टूडेंट्स ग्रीन होगा. यहां पर कलर कौन सा होगा बीच में ग्रीन, यहां पर ग्रीन कलर होगा. तो इस तरह से क्या है यानी कि ये पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच वैल्यू का मीनिंग क्या पोटेंस ऑफ एच पॉजिटिव आयंस, पोटेंस होती है स्ट्रेंथ ताकत कितनी है, जितने भी एच पॉजिटिव आयंस या फिर क्या हाइड्रोजन आयंस जितने भी ज्यादा होंगे या फिर इसको प्रोटॉन्स भी बोल देते हैं जैसे कि मैंने एसिड की डेफिनेशन में आपको बताया था. तो जितने भी क्या एच पॉजिटिव आयन ज्यादा होंगे उतना ही एसिडिक नेचर होगा और क्या जितने कम होंगे उतना ही बेसिक नेचर होगा. तो इस तरह से क्या है ये स्ट्रेंथ बताता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स. हम क्या करेंगे स्ट्रिप को या फिर सोल्यूशन को, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर सोल्यूशन की फॉर्म है उसको भी हम सोल्यूशन में डाल लेंगे. तो उसके बाद क्या है ऐसे स्टिर करेंगे तो वो क्या है कलर चेंज हो जाएगा. जैसा भी कलर चेंज होगा तो जो हमें क्या है पीएच पेपर दिया जाएगा, मैचिंग पेपर दिया जाएगा, उससे हम क्या है उसको मैच कर लेंगे, राइट. तो पीएच ये क्या है जो कलर पेपर है वो एक बार फिर से आप क्या
एक बार देख लो स्क्रीन के ऊपर है। तो इसको क्या स्टूडेंट्स राइट करो और क्या इसके नोट्स बनाओ और लर्न करो। तब तक क्या है नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, तब तक क्या है आप स्टडी करो और क्या है बी हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।